जालंधर में बीती रात मंत्री बलकार सिंह के काफिले पर हुए हमले की जानकारी देते हुए डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि इस मामले में भरगो कैंप में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीसीपी ने कहा कि कुल चार लोगों ने मंत्री बलकार सिंह के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी थी और उसके बाद कर्मचारियों से कहा सुनी और बदसलूकी भी की थी। फिलहाल पूछताछ के बाद नशे की हालत में पाए गए चार आरोपी नकुल, जतिन आशीष और ऋषु को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर डीसीपी जगमोहन ने उन सभी खबरों को खारिज किया है जिनमें मंत्री बलकार सिंह के घर पर हमले की बात कही गई थी। चलो गलबात से आपस में जी सर, सर कल मंत्री बलकार सिंह जी के काफले के ऊपर जड़ा अटैक होया उसके बारे थोड़ा जानकारी। मैं एक तो दसना चाहना भी काफले के बीच अटैक नहीं होया, ये बड़ा क्लियर है गया। जी एक स्कॉट व्हीकल से वो जी है चार जड़े लड़के है उन्होंने जरा नाल झगड़ा होया। इस संबंध में असी 6 नंबर डिवीजन जरा परचा दर्ज कर दिता और असी चारों जोड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, जिस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है कि गड्डिया टकराइया सी जां कोई होर मामला सी। देखो जो उन्होंने ओवरटेक करन तो उन्होंने जरा आपस के पहली मुढ़ली तफ्तीश के एस्टैबलिश होया कि उत्थे जरा उन्होंने तकरार होया और उन्होंने जरा है उन्होंने जी है मुलाजमान के नाल उन्होंने रोकया और ये संबंध के जो झगड़ा किया उस संबंध से जी है असी FIR जी दर्ज कर दी और जो मुलजम है उन्होंने असी मैडिकल भी कराया जो ड्रिंक वगैरह की हुई सी। मेडिकल करवाया है ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੌਟ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।